हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ग्लो बॉक्स को, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी सी देर, 1-2 मिनट, हालांकि मुझे मालूम है जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कि घड़ी भी कोई चीज़ है, टाइम भी कोई चीज़ है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा ना हो। तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज है आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस है आज, तो उसी के उपलक्ष्य में मैं कुछ कहना चाहती हूँ जो कि मेरे निजी जीवन का एक्सपीरियंस है, यानी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आज़ादी का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली आप लोग, जितने लोग भी इसको देखेंगे और जो भी मेरा क्वेश्चन सुनेंगे, उतने ही टाइप के आंसर्स आपके पास होंगे जो आप देंगे। लेकिन वो आंसर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गलत हैं, वो मतलब हर इंसान के पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो आंसर सही होंगे उसके लिए, तो बात वो नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, और जो मैं कहना चाहती हूँ एक्चुअली वही मैं बताना चाहती हूँ कि वो आज़ादी का एक मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में समझा। तो जैसे कि आपने कोई भी जवाब इसका सोचा हो, XYZ, लेकिन अब आपको क्या करना है कि आपको उस जवाब को बिल्कुल भूल जाना है और अपने दिमाग को बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट बना देना है, और कुछ नए ढंग से जो है सोचना है जवाब मेरी बात का। और यही एक्चुअल में आज़ादी है, क्योंकि हम लोग के पास चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं हो, टेक्नोलॉजी कितनी ही मतलब आगे हो गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग स्लेव हैं अभी भी, हम अपने दिमाग के, अपने थॉट्स के स्लेव हैं। और जिस दिन हम लोग उससे आज़ाद हो गए, तो चाहे हमारे अराउंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, चाहे वो फिनेंशियल हो, इमोशनल हो, जिस भी तरीके की हो, लेकिन अगर हम दिमाग से आज़ाद हो गए ना, तो कोई प्रॉब्लम हमको कभी बेड़ियों में बांध के नहीं रख सकती, और यही असली आज़ादी है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो फॉर एग्जांपल कि सबकी लाइफ्स में प्रॉब्लम होती हैं, और ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम्स तब से शुरू हो जाती है जब से आप पैदा होते हो, और तब ख़त्म होती है जब आप मर जाते हो, वो भी आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं। मतलब ये मैंने शायद कुछ ज़्यादा अजीब सी बात बोल दी, मर जाते हो, तो अब ये तो सच है कि ना, तो मतलब बर्थ से लेके डेथ तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो मैं अपना एग्जांपल देती हूँ कि मेरी लाइफ में भी ऑब्वियसली आपकी तरह प्रॉब्लम्स आई, और सबको अपनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लगती हैं कंपेयर टू अदर्स। तो पूरे टाइम मैं रोती रही इतने साल तक, लेकिन आज मुझे लगता है जब मैं नए तरीके से सोच सकती हूँ कि जो है, अगर ये प्रॉब्लम्स ना होती तो मैं आज जो हूँ वो मैं ना होती, और आज जो मैं हूँ वो ज़्यादातर हंसती रहती हूँ, नॉट 24 आवर्स, नॉट 365 डेज, लेकिन मैं ज़्यादातर हंसती रहती हूँ। और जब भी कोई प्रॉब्लम आती, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मुझे एक लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और मैं इसका कैसे फ़ायदा उठाऊँ। और जिन लोगों से मुझे नफरत है, उन मैं ही नहीं कह सकती हूँ थी, क्योंकि परसेंटेज कम हो गया, लेकिन अभी नफरत पूरी गायब नहीं हुई है, तो उनके लिए भी मैं उनको एक नए नज़र से देखने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने माइंड को आज़ाद करने की कोशिश कर रही हूँ, और उससे मुझे इतना बेनिफिट मिला है कि मैं बहुत मस्त रहती हूँ। और यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो आप किसी भी सिचुएशन, किसी भी पर्सन, किसी भी चीज़ के बारे में एक जैसा सोचते रहते हैं ना, अगली बार जब आपके मन में कोई थॉट आए तो उसको लिख लीजिए, और फिर उसके बिल्कुल अपोजिट या बिल्कुल नए तरीके से एक थॉट लाइए अपने दिमाग में जबरदस्ती, और फिर इसको लिखिए, और धीरे धीरे उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पहली बार में नहीं होगा, लेकिन जब आपको अंदर से अच्छा लगेगा तो आप सोचोगे, अरे मैं तो खुद अपने जो है बेड़ियाँ बांध के बैठा हुआ हूँ, मैं तो खुद आज़ाद हो सकता हूँ, मैं तो खुद आसमान में उड़ सकता हूँ या उड़ सकती हूँ। तो यही मेरे लिए इंडिपेंडेंस डे
का वो संदेश है आप सबके लिए, और आई होप ये आपको पसंद आया होगा। तो फटाफट आप शुरू करते हैं ग्लो बॉक्स की अनबॉक्सिंग। तो ये है अगस्त मंथ का ग्लो बॉक्स, ये बिल्ड योर ओन बॉक्स है 999 वाला। लेकिन मेरे को एक कूपन कोड पता था FREEDOM10, उससे मुझे 10% ऑफ मिला। और जब आप ग्लो बॉक्स खरीदते हैं तो आपको ग्लो कैश मिलता रहता है, तो उससे मेरे जो है 60 रुपीज़ और लेस हो गए। तो अब हम लोग फटाफट इसको खोल के देखते हैं कि हमको क्या क्या मिला है। मतलब मुझे पता है, लेकिन आप देखिए कि मैंने क्या क्या चूज़ किया है अपने लिए। सबसे पहले हमको मिले हैं कुछ कार्ड्स जिनको कि मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती हूँ। और उसके बाद मुझे मिला है इनवॉइस, लेकिन इस बार इस इनवॉइस में ये नहीं है कि मैंने टोटल कितनी सेविंग्स करी। तो सबसे पहले है मेरा प्योर डम ब्लैक फूड एमजी जेल अंडर आई मास्क। ये इस तरीके का लगता है, और इसको मैंने अभी कभी भी यूज़ नहीं किया है। और इसका जो प्राइस है, एक्चुअली अभी मैं देख के बताऊंगी इसका प्राइस। एनीवेज, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है मई 2017 और यूज़ बाय अप्रैल 2020। तो मैं प्राइसेस मेंशन कर दूंगी स्क्रीन के ऊपर जो इसके ओरिजिनल प्राइस है, क्योंकि मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है। तो सेकंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो है डॉक्टर लोगी, आई थिंक लोजी या लोगी, आई डोंट नो हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड। तो इसका है मॉइस्चर मास्क शीट। तो गाइस, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जब भी ग्लो बॉक्स में जाएं, तो अगर आप स्किन केयर चूज़ करें तो प्लीज़ अपने स्किन के अकॉर्डिंग करिए। जैसे कि मेरा स्किन ड्राई रहता है, डिहाइड्रेटेड रहता है, तो मैंने मॉइस्चर मास्क शीट चूज़ करी है। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है जनवरी 2018 एंड यूज़ बाय दिसंबर 2020। तो और इसका प्राइस है 550 रुपीज़, बहुत एक्सपेंसिव है। तो फिर नेक्स्ट है ये, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये आपके फुट के लिए शीट मास्क है, और इसमें 2 पेयर्स हैं, यानी कि 4, आप 2 बार यूज़ कर सकते हैं इसको। और ये है बोटानिका चॉइस एक्सफोलिएटिंग फुट मास्क। अरे, इसमें तो 1 ही पेयर है। ओके ओके, सॉरी, 2 पेयर्स अलग अलग हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको आप अपना जैसे कि शीट मास्क फेस के लिए यूज़ करते हैं, वैसे आपको अपने फुट फीट के लिए यूज़ करना है। और ये एक्सफोलिएटिंग और क्लेंजिंग ऑयल इसमें है प्योर डर्म का, और सबकी प्राइसेस मैं मेंशन कर दूंगी। मैन्युफैक्चरिंग डेट है नवंबर 2017 एंड यूज बाय अक्टूबर 2020। ओके, तो ये सॉक टाइप्स है, यानी कि जुराब या मोजे की तरह, जिनको आप पैर में पहन सकते हैं और परफेक्टली पील अवे कॉलोसिस कैल्यूसेस, कैल्यूसेस क्या होता है, आई थिंक वो जो कॉर्न्स हो जाते हैं वो होते हैं क्या, एंड डेड स्किन सेल्स इन जस्ट 2 वीक्स। यानी कि आपको इसको रेगुलर यूज करना पड़ेगा। पपाया एंड कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है इसमें, या और बाकी जो किसी और लैंग्वेज में लिखा है, सो इतना ही। और ये इसकी पिक्चर बनी है कि इसको आपको कैसे यूज करना है। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। नेक्स्ट है हमारा एट्यूड हाउस बॉडी वॉश, और ये है 60 ml। और एट्यूड हाउस का मैंने बहुत ज़्यादा नाम सुना है, तो ऑब्वियसली ये 60 ml है, 740 का, रियली एक्सपेंसिव है, जो मैं अपने पैसे से अलग से कभी ना खरीद पाती। ग्लो बॉक्स के थ्रू मैं ये फर्स्ट अपना एट्यूड हाउस का प्रोडक्ट ट्राई कर रही हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अच्छा ही होना चाहिए। और इसका भी मैन्युफैक्चरिंग नवंबर 2017 है और यूज़ बाय अक्टूबर 2020। एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये ग्रीन टी सीड क्रीम, एंड इट इज़ फ्रॉम इनिसफ्री। और इसमें जो 5 सैशे हैं, और इसकी कुल कीमत है 500 रुपये, यानी कि एक सैशे हमको 100 रुपये का पड़ा है। और ये भी मैंने अपने ड्राई स्किन के हिसाब से मंगाई है,
तो ये जो ग्रीन टी सीड्स है ये सीधे जेजू आइलैंड से आए हैं और इससे क्रीम बनाई गई है और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर और नरिशमेंट देंगे डीप इनटू योर स्किन, और यही मुझे चाहिए था। और लास्ट में मुझे मिला है एक सैम्पल एनाटॉमिकल से स्मूदर बर्ड्स लव कोकोनट्स, कोकोनट प्लस मैंगो बॉडी लोशन, और ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ और ये मुझे अच्छा लगा था। सो गाइस, आपको मेरे चूज़ किए प्रोडक्ट्स कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। और आपने देखा होगा मैंने ज़्यादातर ये प्रोडक्ट्स वन टाइम यूज़ वाले चूज़ करे हैं, एक्सेप्ट द बॉडी वॉश। और बॉडी वॉश भी रेगुलर इंसान यूज़ करता है, क्योंकि मैंने कब का सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस को सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है, फिर भी मेरे पास इतने सारे चुन्नू चुन्नू और सारे प्रोडक्ट्स हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मैंने अब तौबा कर ली है सब्सक्रिप्शन बॉक्सेस से। पहले मैं चेक करूँगी कि मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, या किसी की बर्थडे वगैरह होगी तो मैं चाहे जो है ऑर्डर कर दूँ, बट यार रियली एंड आई हैव एनफ मेकअप। ओके, हालांकि मैंने दो बॉक्सेस सितंबर में ऑर्डर करने हैं क्योंकि किसी की बर्थडे एंड एनिवर्सरी है, तो मैं उसे अनबॉक्स भी करूँगी और गिफ्ट भी कर दूंगी। सो गाइज, आप बताइए आपको कैसा लगा ये मेरा अनबॉक्सिंग वीडियो, और स्वतंत्रता दिवस पे मेरे विचार आपको कैसे लगे ये ज़रूर बताएं। और एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, जय हिंद, बाय।